हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? फिर मैं एक नई वीडियो के साथ और नए स्टूडेंट के साथ, अभी तक आपकी वीडियो कोई नहीं मैंने अपलोड करी ना, जान लेते हैं इनका क्या नाम है। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? कहाँ से आती हैं आप? महानगर से। किस डिपार्टमेंट में है? पुलिस डिपार्टमेंट। ओके दोस्तों, मैम पुलिस डिपार्टमेंट में है और महानगर से आती हैं, और मेरी भी कोशिश है कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ बताऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ, ताकि ये कल को अपनी कार चलाएँ तो वो दिक्कतें इनके पास ना आएँ जो अक्सर लेडीज़ों के साथ आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें दो स्टूडेंट को इन्वॉल्व करूँगा, और जो मेरे दूसरे स्टूडेंट हैं उनको तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी दो तीन वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। बाकी माशाल्लाह वो तो बस। आज नाइट है, रात है, और रात में क्या होता है कि लाइटों की दिक्कत पड़ती है अक्सर। जब सिंगल रोड पे हम लोग चलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को फेस करना होता है, सामने से गाड़ियाँ आती तो हमको कैसे अपनी गाड़ी को जजमेंट में लाना है और कैसे अंदाज़ा लगाना है कि सामने से कौन सी कार आ रही है। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये हम लोग पिकनिक स्पॉट वाले एरिया में हैं। पिकनिक स्पॉट वाले एरिया में है। अब ये सिंगल रोड है, इस रोड की जो चौड़ाई है वो 8 फीट है। अभी तो साइडों में थोड़ा सा एरिया बढ़ गया है, और हमारी गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 6 फीट है। तो जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो जब हमारे ग्लास पे उसकी लाइट पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हाई बीम पे रखते हैं, और रखना किस पे चाहिए? लो बीम पे। जैसे कि हमारी गाड़ी की जो लाइट है, अभी आप देखेंगे यहाँ से अप डाउन होता है, ये इसको करेंगे तो ये हाई बीम। आप अगर रोड पे देखेंगे तो लाइट हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है, ये देखो है, इसको अपर डिपर कहते हैं। अगर हम इसको नीचे डाउन कर देंगे, ये यहाँ पे आप सामने देखो, इसको डाउन कर देंगे तो ये लाइट हाई बीम पे हो जाएगी, इसको यहाँ मिडिल में कर देंगे तो लो बीम। सामने से जब भी कोई गाड़ी आए तो आपको ऐसे इसको इस तरीके से ऊपर उठाना है, इस तरीके से। आप उठाइए मैम इसको ऊपर की तरफ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसकी नीचे उंगली, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर करिए और एक बार, हाँ एक उंगली लगाइए, सिंगल फिंगर, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं पासिंग डिपर। जब सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो जब आप ऐसे लाइट मारेंगे ना तो उसकी आंखों में लाइट लगती है, जब आंखों में लाइट लगती है तो वो एकदम से साइड कर लेता है। जैसे कि अभी आप कार चला रहे हो, सामने से आपकी कोई गाड़ी आती है तो आपको क्या लगेगा कि वो आपकी गाड़ी में टकरा जाएगी, क्योंकि आंखों के सामने एकदम धुंधलापन छा जाता है, दिखता नहीं है जिसकी वजह से। तो इसको बोलते हैं पासिंग डिपर, अपर डिपर, हाई बीम लो बीम, ठीक है ना। और जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी गाड़ी में हमारी गाड़ी में गैप कितना है? जो उसकी हेडलाइट होती है ना उसको हम देखेंगे, ना कि उसकी गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी तो दिखेगी नहीं, हेडलाइट को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, और कितना हमको लेफ्ट दबाना है। जो आपकी राइट वाली हेडलाइट है और जो उसकी राइट वाली हेडलाइट होगी, उसके बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप करना होता है। कई बार बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह हो गई, ये आपका सफारी वफारी, उसमें साइड फुट लगा होता है, वो आपका वो बाहर निकला होता है लगभग आधा फिट, तो गाड़ी टकरा सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको गैप बना के रखना है। अभी आप गाड़ी अपनी साइड में लगाइए, क्योंकि आपका समय हो चुका है, दूसरा स्टूडेंट आएगा, बट आप उसको वॉच करिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा लेफ्ट लेके आइए गाड़ी, हाँ और लेफ्ट, अब पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक, हाँ पूरा क्लच, पूरा क्लच, पूरा, अब इसको न्यूट्रल करो गियर को, ठीक है, हल्के से। अभी यहाँ चारों इंडिकेटर जलाओ, यहाँ हज़ारा स्विच है, ये देखो ये स्विच, इसको दबा दो, ठीक है, अभी चारों इंडिकेटर जलने लगे, अभी इंजन ऑन है, ऑन रहने दो, ये हैंड ब्रेक लगा दो, बटन दबा के उतारी जाती है, ठीक है, ऐसे लगाना होता है कि ऐसे खींच लो, हाँ खींचो, गुड, चलो आप आ जाओ, सीट बेल्ट खोलिए अपनी, आपके पास कौन सी कार है? जेन। ओके, चलिए कल चलवाते हैं आपकी गाड़ी। दोस्तों, अब मेरे दूसरे स्टूडेंट आ चुके हैं जो कि आप पहले से जानते होंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? अप्रिमा। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 13 डेज। और आपके पास कौन सी कार है? स्विफ्ट। चलाई है आपने? अभी एक बार भी नहीं चलाई है। ओके, चलिए कल चलाइएगा, पहले अपनी सीट एडजस्ट कर लो, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी कम है, आपकी थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर बहुत ज़्यादा आपकी सीट आगे होगी तो आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा, है ना, तो थोड़ी सी सीट अपनी पीछे कर लो अपनी, हाँ हाँ, यहाँ पे एक रॉड है उसको ऊपर उठाओ, पीछे चली जाएगी सीट,
बस हाँ, अब क्लच दबा के देखो, बहुत ज्यादा आगे नहीं करना, क्लच पुश करके देखो, हो रहा है? गुड। अभी क्या करना है आपको, चारों इंडिकेटर पहले बंद करो यहाँ से, हाँ इसको पुश कर दो, गुड। हाँ चलो, अब राइट का सिग्नल दो नीचे को, अब ये हैंड ब्रेक डाउन करो क्योंकि हैंड ब्रेक की देखो लाइट आ रही है वहाँ, ठीक है? हैंड ब्रेक डाउन करो, ऊपर उठा के बटन पुश करो, ऊपर उठाओ, अब बटन दबा के नीचे ले जाओ, गुड। अब कौन सा गियर डालेंगे आप? फर्स्ट गियर। चलो फर्स्ट गियर डालो और बढ़ाओ, अभी आज चलाना आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में, ठीक है? चलो गियर डालो, धीरे धीरे जाने दो, जाओ धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे, गुड। रोड पे ले लो गाड़ी, वेरी गुड। हाँ सीधा स्पीड बढ़ाओ, हाँ जाने दो, जाने दो। आपके राइट साइड, राइट घुटने के सामने देखो एक लाइट लगी है, उसको ऑन करो, घुटने के पास, घुटने के पास, नीचे बेटा नीचे, हाँ देखो एक स्विच लगा है, खींचो अपनी तरफ उसको, हाँ देखो नीचे जाओ, नीचे नीचे, हाँ देखो, हाँ वहाँ पे थोड़ा राइट हैंड पे, राइट हैंड पे मिला, हाँ गुड, वेरी गुड। चलो बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बढ़ा के कौन सा गियर डालेंगे आप? सेकंड गियर। चलो फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, वेरी गुड। एक्सेलेटर पे ले जाओ, गुड। स्पीड बढ़ाओ, और बढ़ाओ स्पीड, एक्सेलेटर से पैर हटा के क्लच दबा के, ओ मेरे दिल विच है जो भी, जाने दो धीरे धीरे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये तो ऑलरेडी पहले से चला लेती हैं, इनकी एक दो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।